तो गाइस सारी पैकिंग हो गई है, ये सैडल बैग्स हैं और ये टैंक बैग और एक यहाँ पे ये बैकपैक, ये खाली जैसा ही है, इसमें बस मेडिसिन एंड और है, बाकी खाली है बिल्कुल। तैयार तो हो गया, अब मैं पूछता हूँ एन मैम से कि एन मैम क्या लगता है, हो रेडी जाने के लिए? यस, मतलब मेंटली फिजिकली एंड इमोशनली सब तरीके से तैयार? सब तरीके से प्रिपेयर हूँ। नाइस, मतलब अभी भी वक्त है, मना कर दो तो मैं अभी कैंसिल कर दूंगा एक बार। नहीं, मेरा खुद का मन है जाने का। ठीक है गाइस, आपके सामने पूछ लिया है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे मिलते हैं। तो गाइस बाइक सज गई है, सैडल बैग्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं उसके ऊपर एंड टैंक बैग भी। चलो आगे चलते हैं, आगे मिलते हैं कहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बैग बूट चेक, तो गाइस अब बज गए हैं 9, यानी कि इट्स 9:05 इन द मॉर्निंग एंड हमने अभी अभी बस जाना स्टार्ट किया। तो ये साथ में सुंदरनगर कैनाल, तो गाइस हम पहुंच गए हैं हाईवे, जहां तक मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से पैकिंग कर दी है। मतलब मैंने तो क्या, एन मैम ने साथ में की, मेरी वाइफ ने बहुत अच्छे से पैकिंग, बराबर बराबर ही है ऑलमोस्ट जो वेट है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन सैडल बैग्स में एंड बस। चलो कुछ देर बाद मिलते हैं फिर से। तो गाइस नेहर चौक के आगे पहुंचे हैं हम अभी। तो आज का प्लान बता देता हूं आपको मैं, आज हम जा रहे हैं कुल्लू क्रॉस करके, मनाली क्रॉस करके, अटल टनल क्रॉस करके, सिसु क्रॉस करके, वहां से राइट साइड को कोकसर एक जगह है वहां जा रहे हैं। एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है। तो गाइस आगे मिलते रहेंगे हम, क्या क्या बताएंगे आपको, कहाँ कहाँ पहुँचे हैं। बट आज का प्लान कोकसर पहुँचने का है, जो कि अटल टनल क्रॉस करके राइट साइड को जाते हैं तो कोकसर पहुंचते हैं। तो वहां तक का प्लान है आज। तो गाइस यहां से जो लेफ्ट जा रहा है वो मंडी की तरफ को जा रहा है, हमने डायरेक्ट जाना स्ट्रेट। ये वाला हाईवे ना हमारे सामने बना है, मतलब पहले यहां पे बिल्कुल एक पतला सा रोड होता था, शायद उससे पहले तो वो भी होता था, पर उस पतले से रोड पे, कच्ची कच्ची रोड पे हम आए हैं। उसके बाद ये फोर लेन बना था, फोर लेन पे भी हम आए हैं, पर फोर लेन उस टाइम पे पक्का नहीं था, कच्चा था। ये ऊपर शिव धाम है और यहाँ से ना हमने स्ट्रेट नहीं जाना, हमने राइट मुड़ना हल्का सा। और ये देखो टनल्स, ये बन ही रही थी टनल्स उस टाइम पे, और अभी टनल्स बन के तैयार हो चुकी हैं। ये है टनल नंबर 6, तो
गाइस ये टनल नंबर 6 से हम बाहर निकल गए। ये जो टनल है, एक और टनल है सामने, ये जो टनल है ये मंडी सिटी को बाईपास कर देती है और मंडी सिटी का जो ट्रैफिक है वो काफ़ी हद तक बच जाएगा, इससे बच गया होगा उल्टी। फिर अभी टनल नंबर 7 आ गया आगे, तो ये टनल नंबर 7। ऐसी बहुत सारी टनल्स हैं कुल्लू पहुँचते तक, बहुत सारी टनल्स हैं, बट आज हमें बहुत सारी टनल्स मिलेंगी रास्ते में। बस यहाँ पे ध्यान रखें कि क्योंकि अभी टनल्स में भी एक काम चल रहा है, देखो सामने भी एक मेंटेनेंस व्हीकल था, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने स्पीड नॉर्मल होनी चाहिए। तो गाइस हम मंडी को बाईपास करते हुए सीधा निकल चुके हैं मंडी से बाहर। एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे जर्नी स्टार्ट हुई थी एक्साइटमेंट लेवल कुछ था, अब बहुत सारा हो गया है। एंड मैम एक्साइटेड गाइस, अभी तो हमने सिर्फ मंडी को बाईपास किया है, तो इतने ब्यूटीफुल ग्रीन माउंटेन्स दिखने स्टार्ट हो गए हैं।
गाइस यहाँ पे लंच किया हमने अभी। अच्छा लंच था ये। गाइस यहाँ रिवर राफ्टिंग वगैरह होती है। जितने भी यहाँ पे काउंटर्स दिख रहे हैं, जो नंबरिंग दिख रही है, जैसे 81 नंबर, 148 नंबर, ये सारे वही रिवर राफ्टिंग के वो हैं काउंटर नंबर्स। तो किसी ने करवानी होगी तो ऐसे ऐसे किसी कहीं भी करवा सकते हैं रिवर राफ्टिंग अपनी बुकिंग। यहाँ आगे जैसे एक वैन जा रही है, उसकी छत पे एक राफ्ट रखी हुई है, वो जो बोट देखो सामने वो चलेगी राइट साइड को। अब वो अभी जो देखो यहाँ पे ये पैसेंजर्स हैं, कस्टमर्स, तो ये जाएंगे उस राफ्ट पे, इसमें बैठ के और नीचे जाके नीचे तक जाएंगे मतलब, और नीचे से फिर से इसको वैसे ही किसी वैन में या किसी व्हीकल में वापस लाना पड़ेगा। जाएंगे पानी के थ्रू एंड वापस ये बोट फिर से कैरी होके आएगी। गाइस ये वो एरिया है जहाँ पे पिछले साल लैंडस्लाइड हुआ था, रोड पूरा गिर गया था, तो ये वो एरिया था यहाँ पे राइट साइड को। तो गाइस हम पहुँच गए हैं यहाँ पे, कोई टॉल है राइसन में, और यहाँ ऊपर से लोग पैराग्लाइडिंग करते हुए आ रहे हैं। थैंक गॉड मैंने कर दी है पैराग्लाइडिंग ऑलरेडी, मैंने की थी बीर बिलिंग, एक जगह है उधर बीर बिलिंग में की थी, मेरा व्लॉग देख लेना। सामने ना माउंटेन्स बड़े प्यारे लग रहे हैं। पहला माउंटेन दिखा जिसमें स्नो है, आगे और भी प्रोबेबली दिख जाए, बट अभी दिख गया वैसे सामने कैमरे में, पता नहीं आया होगा कि नहीं आया होगा, बट मुझे दिख गया, मतलब हमें दिख गया। एंड वाओ अभी बाय द वे हम मनाली से थोड़ा सा पीछे हैं, हम अराउंड 10 किलोमीटर के आसपास पीछे हैं बस। गाइस मनाली से 2 किलोमीटर पीछे। अब यहाँ से आगे हमने जाना है, थोड़ा हल्का सा लेफ्ट कट बता रहा 2 किलोमीटर। गाइस यहाँ पे बाइक मिलती है रेंट पे जिसने लेनी हो, बट वो बाइक जो लेगा यहाँ से रेंट पे, ये मनाली है बाय द वे, मनाली हम पहुँच गए हैं, तो मनाली से जो भी बाइक लेगा वो HP की होगी, पर अगर वो HP की बाइक होगी तो उसको आप HP में यानी कि स्पीति में तो घुमा सकते हैं, बट आगे लेह लद्दाख में थोड़ी बहुत इशू आ सकता है, जैसे जो आउट ऑफ द ट्रैक जो रोड जाते हैं जैसे उमलिंगला या और ऐसी जगहों पे खारदुंगला, तो उनमें फिर वो परमिट चाहिए होता है, उसमें फिर अपनी पर्सनल बाइक चाहिए होती है, या फिर लद्दाख की लोकल बाइक। तो ये सब कुछ देख के आना जब भी आना किसी ने। और यहाँ से अटल टनल 24 किलोमीटर। पावर डालना फुल।
आगे का रोड क्लियर है। अब क्लियर है क्या रोड? तो गाइस ये सोलंग नाला हम पहुंच गए हैं। वो जो शॉर्ट पैराग्लाइडिंग होती है यहाँ पे 1 मिनट 2 मिनट इतना टाइम होता है बस हवा में आप, बट फिर भी किसी ने अगर फन लेना हो यहाँ पे ले सकते हैं। एंड थैंक गॉड कि मैंने ऑलरेडी पैराग्लाइडिंग कर ली है, वरना मुझ में वो अभी बात रहती कि मैंने करनी थी लाइक वैसा। तो ये वो ग्राउंड है और यहाँ से 11 किलोमीटर्स बता रहे हैं, 11 किलोमीटर्स यहाँ से अटल टनल। गाइस सामने माउंटेन देखो कितना प्यारा लग रहा है, बीच में स्नो दिख रही हल्की हल्की। आई होप कैमरे में आ रहा होगा, कैमरा में ये माउंटेन सामने आ रहा होगा। हम पहुंच गए हैं गाइस अटल टनल। जाने सर जा सकते ना के? क्या बोल रहे सर जा सकते? गाइज ये देखो व्यू और ये अटल टनल स्टार्ट है। ये माउंटेन कितना प्यारा लग रहा है एंड हम बहुत ही तुच्छ प्राणी, छोटे से प्राणी लग रहे हैं माउंटेन के सामने। जय हो। और ये अटल टनल स्टार्ट। गाइज ये अटल टनल है, सेकेंड टाइम आ रहा हूँ मैं इस अटल टनल से, मतलब एक बार पहले भी गए थे बहुत साल पहले, अभी यहाँ ही गए थे। तो ये इतनी हाइट पे सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, अराउंड 9 किलोमीटर्स। तो
गाइस, अच्छी बात ये है कि यहाँ पे 60 की स्पीड लिमिट है एंड साफ पता चल रहा है कि हर एक बाइकर गाड़ियाँ वो फॉलो करती है, रूल्स फॉलो करती है हर एक गाड़ी। देखो सामने से भी गाड़ी आ रही, कोई भी ओवर स्पीडिंग में नहीं लग रहा और मैं खुद भी 60 के आसपास ही चलाऊँ। पर जब आप ऐसे क्रूज करते हो किसी एक स्पीड पे तो मज़ा भी आता है, वो मज़ा आता है। गाइस नॉर्थ पोर्टल हम पहुंचने वाले हैं इन 3, 2। ओहो थोड़ी सी टाइमिंग बदल गई, पर एक अलग दुनिया में आपका स्वागत है गाइस, एक अलग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। वन बोलिए वन, यहाँ रुकना अलाउड नहीं है। तो एक अलग दुनिया में स्वागत है एन, एक अलग वर्ल्ड में स्वागत है एन। ओह माय गॉड, यहाँ पार है रुकते तो तो गाइस पहले रोम जाने का प्लान है कोक्सर, फिर वापस आएंगे एक्सप्लोर करने से। सो बहुत ही प्यारा सा रूम मिला है, बहुत ही प्यारा सा, एंड व्यू देखो यहाँ से। ओह माय गॉड, नॉट ओनली फ्रॉम हियर बट आल्सो फ्रॉम हियर, ड्यूल विंडो एंड यहाँ से बाहर से। Thank you.
व्यू देखो, व्यू यहाँ पे रुके हैं उस यहाँ टॉप फ्लोर पे मतलब लेंटर पे, और यहाँ देखो व्यू तो गाइस हम पहुंच गए एक जगह कोकसर, यहाँ पे है तो है ठंड पर मज़ा आ रहा है। ये हमारी बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म किया बाइक ने, बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म अभी तक, तो आगे भी ऐसी करेगी आई होप, आप भी विश करना। अब सिस्टू जा रहे हैं वापस थोड़ा एक्सप्लोर करने एंड फ्यूल भरने वापस। और पेट्रोल भर के अब हम वापस जा रहे हैं खोखसर की तरफ, तो यहाँ रुके हैं। तो गाइस यहाँ हम कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से, बहुत ही सुंदर लग रहा है। गाइस ये अटल टनल के पास है नॉर्थ होटल, रात को यहाँ ऐसे घूमने आए थे अटल टनल। नॉर्थ होटल ऐसे आए थे हम घूमने यहाँ तक, पूरा अंधेरा हुआ है पर ये ऊपर मूनलाइट। डिनर आ गया, हम रूम पे खाएंगे मजे से, मस्त बेड में बैठ के खा रहे हैं, चिली चीज़ फ्राइड राइस चपातियाँ चटनी पानी पानी आ गया और बस हम दोनों। तो गाइस आपको मैप के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ से कहाँ गए। तो ये इंडिया का मैप, इंडिया के मैप में ऊपर नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में ये हिमाचल प्रदेश हाईलाइट हुआ पड़ा है, तो हिमाचल प्रदेश का ये मैप है सामने। तो इस हिमाचल प्रदेश के मैप में ये रहा यहाँ पे शिमला, शिमला हमारा घर जिनको नहीं पता। सुंदरनगर से आगे हमारा जो सफ़र है
वो स्टार्ट हुआ था सुंदरनगर से, ये था सुंदरनगर, सुंदरनगर से मंडी, मंडी से फिर पंडो इधर को, फिर ये ओट, फिर ओट से कहते हैं भुंतर, भुंतर से ऐसे कुल्लू, कुल्लू से ये नगर वाला एरिया, फिर यहाँ मनाली, फिर मनाली से फिर यहाँ से ऐसे करते 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 अटल टनल, अटल टनल से क्रॉस करते हुए सीधा 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 लाहौल स्पीति एंट्रेंस, फिर हल्का सा इधर को आते हैं राइट साइड को जो कि जगह आती है यहाँ पे कोकसर, कोकसर के बाद फिर एक ग्रम्फू है पर हम ग्रम्फू आज नहीं गए, ग्रम्फू हम जाएंगे कल, और ये वो पॉइंट है जहाँ से टोटल ऑफ रोड स्टार्ट है आगे को, तो ये कल देखते हैं कि कल क्या क्या होता है। आप सब्सक्राइब करके रख लो जिसने नहीं किया, और शेयर कर दो, और वेट करो फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। तो गाइस अभी इस व्लॉग को ही एंड करते हैं, और मैं सच में मतलब मुझे बहुत मज़ा आया आज का दिन, बहुत ही प्यारा दिन था, जर्नी थ्रू आउट द डे बहुत ही ज़्यादा सूदिंग थी, बहुत ही प्यारी थी। अटल टनल के बाद जब हम पहुँचे थे तो नम हो गई थी मेरी आंखें, मतलब एक होता है ना सपना सच होना टाइप की, हाँ बाइक को लेके आना इस एरिया में, तो वो साफ महसूस होने लग गया था, एक अलग ही दुनिया में एंट्री होती है आफ्टर डैट अटल टनल, तो वो हुआ वहाँ था वहाँ पे। राइट नाउ वी आर एट कोकसर एंड टुमारो वी विल हेड टुवर्ड्स सम मच 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 बेटर प्लेस, ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल्सो अ बेटर प्लेस, बट वो भी एक अलग दुनिया होगी, कैसी वो दुनिया होगी वो कल देखते हैं। फिलहाल के लिए बाय, गुड नाइट, मिलते हैं फिर इसी तरह के ब्लॉग में।